देखो, जिस दिन तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो जाए ना, उसी दिन की पहली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना। और अब न्यू ईयर आ रहा है या फिर संक्रांति आ रही है, तो उसमें भी आ जाना। और अगर सैटरडे संडे को भी तो बस बस मिम्मी, अगर मैं यही आना जाना करूंगी तो प्रोग्राम कब अटेंड करूंगी? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, सिर्फ त्योहार के त्योहार पे आ जाना। तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। मैं पक्का कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। All the best, Akshay. Happy journey. अरे नहीं भाई, अब मैं ले लूंगी इसे। पहले से इतना बोझ उठा रखा है तुमने, कम से कम ये तो उठाने दे। मेरा फ्रेंड तुझे नया फोन नंबर देगा, वो ले लेना। एक नई शुरुआत करने जा रही है, इसलिए पुराना सब हटा दे, फोन नंबर भी। हाय, मैं अभिमन्यु। वो एक्चुअली मैं बहुत मिस कर रहा था। पता नहीं कभी वापस आऊंगी भी या नहीं। शायद ये गाना नहीं होगा, लेकिन गाना सुनते ही आप भी कहेंगे। धागे की तरह कैसे टूट जाता है दिल का।
सच बताना, आज कुछ तो हुआ है तुझे, क्योंकि आज पहली बार अक्षु के जाने से पहले तूने अपनी आंखें पलट दी थी। क्यों कैरव, ऐसा क्यों किया बता तूने? वैसे तो भाई दूज पे भाई कुछ देता है बहन को, पर आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ तुझसे। हाँ भैया बोलो ना, क्या चाहिए? मैं दूंगी। तू चली जाए यहाँ से। क्या तूने अक्षु को भेजा? पागल हो गया क्या तू? वो अभिमन्यु से प्यार करती है भैया, पर अगर वो यहाँ रुकती ना तो ना कभी उससे बात कर पाती, ना कभी उससे दूर हो पाती, इसलिए भेज दिया मैंने उसे। अरे पर कम से कम मुझसे बात तो कर लेता इस बारे में, कुछ ना कुछ सोल्यूशन सोचते साथ में। कैरव तूने बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ भैया, पर कोई और रास्ता नहीं था। आरु के मन में पहले से नफरत भरी अक्षु के लिए, अगर वो कुछ दिन और रुकती ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती, अक्षु और दुखी हो जाती। भैया अक्षु को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए भेजा मैंने उसे। देख तूने जो किया मजबूरी में किया ये तो मैं समझ गया हूँ, पर सही किया या गलत ये मैं नहीं कह सकता। तो अक्षु का, अक्षु ये कैसे भूल गई? वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं देख के आता हूँ उसे। अरे करम संभाल। अरे चंदा छुप जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलना। गाड़ी खराब हो गई, आगे नहीं चल सकता। गाड़ी खराब हो गई तो आगे नहीं बढ़ेगा क्या? प्लीज जाने दो ना, उसने जानबूझ के थोड़ी। तो बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तेरे को बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो बस शराब चुपचाप बैठे रहना, तू हमारे कान के नीचे। थोड़ा तो तमीज से बात करो, सब लोग देख रहे हैं। तो देख रहे तो तू खुद को देखना पहले। क्या प्रॉब्लम क्या है? लाइफ में ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी सब लड़कों को बराबर देखना है। लड़का देखाने की बहाना मिल गया बस। चाहे काम करना, उतर 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 जाके बैठ उसके साथ में। अरे उतर ना। मैम प्लीज आप उतरिए। क्या? प्लीज मैम उतरिए, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ऐसे बात करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, बहुत हीरो बन रहा है। निकालू तेरी हीरोगिरी? तू बताएगा फिर वो। बात करने की तमीज नहीं है, इज्जत नहीं कर सकता प्यार करने। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी पता है? बहुत आसानी से मिल गया ना प्यार, करना नहीं है, करना नहीं है, राइट? ए, क्या चल रहा है? सर इससे रुक गया सब, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया, इतना मारा मेरे को सर, मैं क्या बताऊँ आपको, ये बस पागल हो गया है सर ये। सर मैं कोई पागल वागल नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहा था, उसे मारने की धमकी दे रहा था, आज दोबारा किया ना तो दोबारा मारूंगा। ज़्यादा सन्नी देवल बनने की कोशिश मत कर, समझा? वरना हवालात में 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा ना तो कल ठिकाने आ जाएगी। चल जीप में बैठ। मुझे अरेस्ट करना है करिए, लेकिन साथ में इसको भी लेके चलिए। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो, ऐसे गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं कुछ भी करूँ सर, मैं कुछ भी बोलूँ, इसको क्या दिक्कत हो रही है? काम आ गया, हीरो बनने मार दिया। तू भी चुप कर, तेरे भी घर में निकालता हूँ हवालात में। चल
चल चल सर, लेकिन चल 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 बैठ इंस्पेक्टर, एक मिनट। मैं जानता हूं इन्हें अच्छे से। दीदी, ये भाईदूज का तिलक उसने भेजा? उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, और तुम मेरे मामलों में टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा है। अपने बेटे का ध्यान रखो। नील, तेरी बात हुई क्या अभी के साथ? क्या बोला उसने? क्या बोलेंगे माँ, वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि कुछ बोल सके, कुछ सोच सके। इतने शॉक में है कि फ्रस्ट्रेशन में अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। अपने पेशेंट का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर पा रहा है माँ। हमें कुछ करना होगा ब्रो के लिए माँ, वरना ब्रो। तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरा पहले वाला अभी वापस लौटा दे। मैं नहीं मांगूंगी भगवान से, उससे कोई प्यार नहीं मांगूंगी, उसकी शादी के लिए जिद नहीं करूंगी, बस मुझे मेरा पहले वाला अभी चाहिए। माँ एक आइडिया है। क्या? ब्रो का बर्थडे आने वाला है। हाँ पर बेटा, वो इस साल तो नहीं बनाएगा ना, इतना सब कुछ होने के बाद। ब्रो कुछ भी बोले, कितना भी गुस्सा करे, मैं उन्हें बर्थडे विश भी करूंगा और उनका ये बर्थडे सबसे यादगार भी बनाऊंगा। पर कैसे? नहीं वो माना नहीं तो? ब्रो और अक्षरा ने अपने रिश्ते में भले ही गिव अप कर दिया हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं उनके रिश्ते को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करूंगा। आप देखना माँ, मैं ब्रो और अक्षरा को कैसे एक करता हूँ। थैंक यू सर, आई एश्योर यू ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। थैंक यू। एहसान नहीं था, हेल्प किया, क्योंकि तुम सही थे, बस तुम्हारा तरीका गलत था। किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल लेते ना, इट्स नॉट राइट डॉक्टर। किसी के इमोशंस के साथ, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, दैट्स आल्सो नॉट राइट। प्रोडक्शन ने कोई गेम नहीं खेला तुम्हारे साथ। उसका चुप रहना या कोई स्टैंड नहीं लेना ये साबित नहीं करता कि तुम्हारे साथ खेल रही थी वो। चुप रहना, कोई स्टैंड नहीं लेना, रियली? मतलब उसने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, पर क्या बताना था उसने? कमाल है आपकी बहन, अगर आपको नहीं बताया तो आई एम श्योर उसने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। सुपर। ये क्या बोल रहे हो तुम? जो भी बात है अभी साथ साथ बताओ। इतनी बड़ी बात करके चले गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, वाओ। अरे कौन सी बात यार, आखिर हुआ क्या है? आपकी बहन ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया मेरे सामने, मेरी फैमिली के सामने क्लियर कट स्टैंड लिया। उसने कह दिया साफ साफ वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और अब मेरा भी स्टैंड यही है। अक्षरा गोयंका का चैप्टर अभिमन्यु बिरला की लाइफ से ओवर, हमेशा हमेशा के लिए। तभी इतनी आसानी से सब छोड़ के चली गई। सॉरी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब वो मुझसे दूर जाना चाहती है तो मैं क्यों उसे रोकना चाहता हूं? क्या कहना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।